पिछले वीडियो में आपको दिखाया था 14 फरवरी तक ये भी पैन में आया हम लोग 4 आदमी ने। अब ये व्यू पॉइंट देख के हम लोग थोड़ा लौट रहे हैं। ये देखिए, ये लौटने का रास्ता भी थोड़ा डिफिकल्टी है, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा लाठी का सहारे से लौट रहे हैं। अभी जो है वो कैंप ऑफिस में हम लोगों ने जाऊंगा और फिर उधर का जो और एक कैंप ऑफिस ऊपर में था जो अभी बोलता है बंद पड़ा है उसको थोड़ा दिखाएंगे, और उसके बाद जो रॉचेल का व्यू पॉइंट है उसमें भी थोड़ा सा जाएंगे। तो अभी ये देखिए, अभी धीरे धीरे बहुत सा डाउन में है, इसलिए धीरे धीरे लाठी के सहारे से नीचे उतर रहे हैं। 14 फरवरी का जो है व्यू पॉइंट वो कवर करके अभी हम लोगों ने लेट रहे हैं। वो पिछले वाला वीडियो में हम दिखाए हैं वो 14 फरवरी का जो टोटल टिकट लेके एंट्री करके आए थे। अभी ये दूसरा पार्ट में हम दिखा रहे हैं। लौटने का रास्ता भी अच्छा है, साइड में सारे बैम्बू का छोटा छोटा ट्री है। अभी करीब करीब पहुँच गए हम लोग कैंप ऑफिस में। अभी ये देखिए कैंप ऑफिस में हम लोग पहुँच गए। ये कैंप ऑफिस, ये कैंप ऑफिस में हम लोग पहुँच गए। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रेकिंग करके लौटने के बाद, इसलिए थोड़ा इसमें हम बैठे हैं। ये सौरभ और ये मैं विक्रांत बैठा हूँ। ये कैंप ऑफिस 14 फरवरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कैंप ऑफिस है। ये 14 फरवरी अभी ये जगह से देखिए, और एक सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद उधर ये 14 फरवरी का जो कैंप प्रोटेक्शन ऑफिस, उसी में रहने के लिए एक जगह बनाया था। अभी बोलता है ये थोड़ा बंद पड़ा है, इसी को हम थोड़ा दिखाते हैं। ऊपर में एकदम हिल टॉप में है ये, ये देखिए हिल टॉप में एक जो जगह है, इसमें ये रेस्ट हाउस बना है इसको रहने के लिए। इसका जो वॉल है वो थोड़ा छोटा छोटा बेम्बू से बनाया हुआ है। इधर देखिए, और सोलर सिस्टम है, ये सोलर गीजर एक आप देख रहे हैं, सोलर सिस्टम का गीजर ये, और ये एकदम टॉप में बना है। जगह बहुत अच्छा है, हिल का टॉप में बना है, इसलिए सब कुछ इस जगह से दिखता है। अभी इसको थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए इधर मैं आया हूँ। देखिए अच्छा करके बनाया है, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं होता है बोलते हैं।
अभी ये दिखाने के बाद फिर जो है हम लोगों ने जाऊंगा रॉचेल व्यू पॉइंट में। ये देखिए अच्छा ही बना है, थोड़ा व्यू भी अच्छा है। अभी ये रॉचेल व्यू पॉइंट का जाने का टाइम, रास्ते में ये पड़ेगा दाहिने तरफ। देखिए इधर भी एक छोटा सा व्यू पॉइंट जैसे ही बना है। अगर आदमी लोग ट्रेकिंग के टाइम थोड़ा उसको रेस्ट लेना होता है तो यहीं पे बैठ सकते हैं। अच्छा जगह है, चारों तरफ पंछी का आवाज़ है और जो फॉरेस्ट का एम्बियंस है वो लेके आप लोग इधर बैठ सकते हैं। ये जगह अच्छा है इसलिए मैं थोड़ा घुमा घुमा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब देख लीजिए ये टोटली नेवरा वैली नेशनल पार्क का अंदर में है। ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लाभा से आपको इसको टूर कंडक्ट करना है। लाभा का जो नेवरा वैली नेशनल पार्क का जो रेंज ऑफिस है, नॉर्थ रेंज, वो रेंज ऑफिस से आपको टिकट करना है। वो मैं पिछले वीडियो में सब कुछ दिखाया है, टिकट का कॉस्ट कितना है ये सब कुछ हम उसमें दिखाया है आपको। अभी हम लोग रॉचेल जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट के लिए अभी जा रहा है। देखिए ये रास्ता और थोड़ा डेंजर रास्ता है, एक दो बार तो गाड़ी का नीचे पत्थर लग गया, मतलब अनरेगुलेशंस और ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने पहुंच गया है, यहीं से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा अभी पॉइंट के लिए। देखिए गाड़ी से उतरा और चल पड़े। ये व्यू पॉइंट का रास्ता है, अच्छा है, थोड़ा पाइन ट्री का अंदर से आपको गुजरना है। करीब करीब पहुंच गए हम व्यू पॉइंट का, व्यू पॉइंट में। देखिए ऐसा व्यू पॉइंट में इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक हिल टॉप हाई ऑल्टीट्यूड है और इसमें अब जो है बादल का जो है मूवमेंट थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। और चारों तरफ जो है अगर क्लाउड नहीं रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये है रॉचेल व्यू पॉइंट। देखिए एकदम नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल। ये जो बना है ये भी नेचुरल तरीक़ा से बनाया गया है। इसमें हम थोड़ा बैठ के ये चारों तरफ देखते हैं। इस जगह में मैं थोड़ा अंदर जंगल में जाके खो जाऊंगा, ये वीडियो भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। और उसके बाद जो क्लाउड है उसका मूवमेंट थोड़ा दिखा के ये वीडियो आज ही ख़त्म करेंगे। आप देखते रहिए, थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहाँ पे हो? मैं झाड़ी में खो गया। मैं झाड़ी में खो गया। कहाँ पे है? ठीक है। क्या हो गया? देख लिया तो और कुछ है क्या? नहीं, और कहाँ देखेंगे।